हेलो गाइस, नहा धो के हो गए हम तैयार सुबह सुबह, और बच्चों को दिखाती हूँ। दक्षु, ओए दक्षु, 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 उठ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा मेरे पास, आ जा। हाथ कान को चला गया, कान चल गया, उसमें खून निकल गया। हाँ तो कहीं भी चला है लड़ाई, इसलिए लड़ाई में क्या और चाय बनी है, चाय पियेंगे। नींद छा रही मम्मी ने, अभी ये भी यहाँ आ गया है। मम्मी देख ले, इतनी बुरी शिकल हो रही है। चाय बनी है, चाय पियेंगे। पी ले बेटा चाय, चल चुप हो जा, चाय पी ले, चल पी ले चाय, चाय पी ले बेटा, दे दू है? चल नीचे बैठ, दे दू तो ना, बाय करो, बाय बाय कर दो। शर्मीली, अरे शर्मीली, मेरी शर्मीली लौंडिया दिखाता दे, मैं तो कर दी, मैं लौंडिया, मैं लौंडिया उठ गई, वो नहीं उठी। यहाँ पे स्कूटी में तेल गिरवाने गए हैं, कहीं रास्ते में ख़त्म ना हो जाए। परसों हमारे साथ पोपट हो गया था। अब चल दिए हैं बालाजी के मंदिर, रास्ते में ही पड़ता है जहाँ पे पेट्रोल पंप था ना, वहीं पे। मैंने कहा पहले बालाजी मंदिर चलते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। आओ चलो, आ जाओ, आ जाओ। गाड़ी नहीं खड़े हुआ, दोराला और दोराला में हो गया है हमारी स्कूटी में पिंचर। तो दिखाती हूँ आपको, कहा स्कूटी में पिंचर हो गया है, तो ये लेके आ रहे हैं। हम खड़े हुए हैं यहाँ पुल के पास, और दुकान अभी खुली नहीं है, दुकान बंद है। ए टू जेड सर्विस सेंटर।
दुकान बंद है, अभी खुली नहीं है, तो टाइम हो रहा 7:30। ये दुकान खुली हुई स्कूटी में पंचर हो गया था बड़ा वाला, तो उसमें ना फिर ट्यूब गिर गया इन्होंने। ये रास्ते में पड़ी है खतौली की नहर। बेटा बहुत देर रुक गए, चलो। यहाँ बच्चे देखने की कह रहे थे पर हम रुके नहीं थे क्योंकि देर हो रही थी। खतौली की नहर तक तो पहुँच चुके हैं, आधे घंटे का रास्ता हो रहा है क्या। चुकी है अपने इलाके में, घूम चुके हैं मुजफ्फरनगर। अम्बाला की मंदिर 2 मिनट बाद विश्वकर्मा चौक, विश्वकर्मा चौक से शांति नगर। बर्तन बर्तन पड़े होंगे ना तो कर लेंगे, वो ही मांग लेंगे। अरे रुक तो जाओ, आ जा। ये देखिए मेरे घर की क्या हालत कर रखी है लड्डू के बाबा ने। देखो बर्तन कितने सारे गिर रखे हैं धोने के लिए, देख लो क्या हाल कर रखा है। मान जाएंगे, मान जाएंगे। अब चलते हैं अपने कमरे में, ऊपर ऊपर देखते हैं क्या हाल हो रहा है। आगे आके लड्डू है, पीछे पीछे हमें हमारे पेड़ों की क्या हालत कर रखी है। सारे सुखा दिए पेड़, पानी नहीं गिरा पेड़ों में बिल्कुल भी। रख दे बेटा। कमरे में पहुंच चुकी हूँ मैं अपने, और आपको अपने कमरे की हालत दिखाती हूँ। मेरे कमरे की हालत क्या हो रही है, इतनी धूल जम रही है ना कि बहुत धूल जम रही है। पहले तो मैं झाड़ू पोछा ही करूँगी और काम बाद में करूँगी, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना है, इसलिए दिखाती हूँ। मैं जी ऐसे बैठे हुए और धूल देखूँ, ये देखिए कितनी धूल जम रही है। हाँ जी देखिए, ये देखिए कितना डस्ट बैठा हुआ है, और इसे बाद में साफ करूँगी, अपना झाड़ू ऐसे लगाऊंगी। देखिए क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, बच्चे भूखे हैं, उन्हें भी देना है बना के, इसलिए अभी तो बस झाड़ू लगाऊंगी, इसके धूल साफ करके फिर झाड़ू पोछा करूँगी पहले, इसलिए यही 5 मिनट आएंगे। मेरे सारे पेड़ भी सूख गए, इतने हरे पेड़ हो रहे थे, पानी नहीं गिरा, पीछे से सारे सूख गए। मौसम अच्छा हो रहा है, ये कपड़े सारे सुखा दिए मैंने, ये लोग थे ना सारे सुखा दिए, अच्छा हो रहा है। पेड़ मेरे सारे सूख चुके हैं, सारे पेड़ सूखे हैं। क्या हालत कैसी हो गई, सारे पेड़ सूख गए मेरे।
पानी नहीं गिरा ना इनमें। यहाँ बनाई हमने दाल, चावल, रोटी, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज। सलाद कट रही है, ये रही, खा लेते हैं फिर मिलते हैं। बाय बाय। लंडा बढ़िया मारे भाई, चावल नीचे से वो बोल ला ना बड़े कर लो। ये हमारे क्रिकेट मैन सारे यहाँ खड़े हैं, इधर को देखो क्रिकेट मैन, हेलो करो। ये सारे यहाँ खड़े हैं और बारिश आ गई है ताबड़ तोड़ वाली है, देखो कितनी तेज बारिश है। ये देखो बारिश आ गई है और इनका गेम हो गया डिसमिस। सुबह 11 बजे से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है, और बिना लाइट कर पानी के हम बहुत परेशान है क्योंकि मेरा फोन नहीं हो रहा है चार्ज। बच्चे खेल रहे थे और बच्चे खेलते खेलते बारिश हो गई है बहुत तेज, अब उससे भी परेशान, एक तो गर्मी इतनी और लाइट है नहीं। ये हमारा लड्डू शांतनु। ये छोटे छोटे क्रिकेट मैन है हमारे, छोटे छोटे क्रिकेट मैन।